झुलसा देने वाली गर्मी ने सिरसा के लोगों को परेशान कर रखा है। पारा 46 डिग्री के पार जा रहा है। अगले दो दिन में पारा और चढ़ने वाला है। लोग परेशान हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा कि गर्मी का उपचार आखिर कैसे किया जाए। सड़कें सूनी पड़ी है। गर्मी के कारण लोग घरों से निकलना ही नहीं चाहते। अगर निकलना भी पड़ता है तो मुंह पर कपड़ा बांधकर और पूरे शरीर को ढककर ही बाहर निकलते हैं। गर्मी के बचाव के लिए लोग घर पर ही रहना अधिक पसंद कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से रौद्र रूप दिखा दिया है। शहर के विभिन्न बाजारों में सड़क पर तरबूज और खरबूजों की दुकानें सज गई है। लोग गर्मी के बचाव के लिए खरबूजा और तरबूज की खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ ही लोगों को बीमारियों का भय भी सताने लगा है। इसी के चलते लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग खुद को कपड़े से ढककर ही दोपहर के समय घरों से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। गर्मी के बचाव के लिए दोपहर के समय काफी संख्या में लोग पार्क में पहुंचकर पेड़ की छाया में आराम फरमाते हैं। पार्क में मजदूर वर्ग के लोग, स्कूली छात्र और गांव से शहर में खरीदारी के लिए आने वाले लोग दोपहर के समय गर्मी के बचाव के लिए पहुंचते हैं। जहां उन्हें धूप से बचाव के लिए जगह मिलती है, वे वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। गर्मी अपनी सीमा से चरम सीमा पर चल रही है। इस टाइम गर्मी का इतना प्रकोप है, भी आम आदमी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए। और हर किसी को चाहिए कि वो गर्मी के लिए अपना सिर मुंह ढक के बाहर निकले, ठीक है, और कम से कम धूप में घूमें, जो जरूरत के अनुसार ही अपना मार्केट में आए जाएं, ज़्यादातर घर में ही रहें। आप कैसे बचाव कर रहे हैं? फिलहाल तो हम शॉपकीपर हैं, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे ही बैठे रहते हैं। बाहर निकलना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और शाम को जब ठंडक हो जाती है तब हम घर जाते हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार किस तरह? पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और आज के दिन में भी तापमान 46 डिग्री से ऊपर चल रहा है, और उम्मीद अभी 2-3 दिन में और भी बढ़ेगा। सफेद कपड़े ना अपने आपको ढक के परना पा के आपका बचाव करने की बुलाइए, नहीं तो बीमार हो जाए बंदा। बच्चों नू सही कही दिया भी घर ही रहो, छुट्टियां हो चुकिया ने, सवेरे आधा टाइम नाल काम नबेड़ के ते आपदे आपदे घर नू दोपहरे 2-4 पूरा दोपहरे घर रहना पैंदा। सवेरे 7 बजे तो लैके शाम के 7 बजे तक गर्मी बहुत पै रही है जी। बस सुबह सुबह अपने रोज़मर्रा के काम निपटा लेते हैं 10 बजे तक, उसके बाद कोशिश करते हैं कि मजबूरी में ही बाहर निकले। पिछली बार के मुकाबले इस बार गर्मी तो पिछली बार हरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वृक्ष रह नहीं गए, शहरीकरण ज़्यादा हो गया। ये जो दो शाम को जो मोटरों का जो धुआं होता है, यही प्रदूषण बहुत फैलाता है, इससे गर्मी बहुत होती है। गर्मी से पशुओं का बुरा हाल हो रहा है, पक्षियों का बुरा हाल हो रहा है, तो आदमियों का तो होना ही होना। आदमी चलो तुर फिर सकते ने, पशु पक्षी वो नहीं जा सकते किधर भी। फसल को किस तरह नुकसान हो रहा है? फसल का तो इस तरह है जी, हूँ जोड़ा नरमा वो बराण एरिया जोड़ा उनका सड़ी जाता है, दिन रात सड़ी जाता है। उन्होंने कर रहे हैं जी, छप्पर छुप्पर पा रहे हैं, जिमें सरकने लिया के काने लिया के उन्होंने करके इंतजाम तो वो कर रहे हैं जी। आप जी असी तो मूँह जो चीज़ खानी चाहते हैं ज ठंडी चीज़ लैना चाहते वो अपना असी लै सकते हैं, पैसा भर के लै सकते हो, कोई फ्री भी मिल जाती है, कोई जल सेवा चल रही, तो पशु पक्षी नहीं ना कर रहे इस तरह। सिरसा के नागरिक अस्पताल के CMO गोविंद गुप्ता का कहना है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से पहले खूब सारा पानी पीकर निकले। उन्होंने कहा कि गर्मी से बीमार लोगों के लिए हमने अस्पताल में व्यापक प्रबंध किए हैं, लेकिन फिर भी हम आमजन से ये अपील करते हैं कि अपने घर से जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। जहाँ जरूरत हो वहीं घर से बाहर निकले। बाहर निकलने से पहले खूब ज्यादा पानी लें, जूस लें और ताज़ा फल लें, हल्के कपड़े पहने, हवादार कपड़े पहने, और गर्मी और धूप से बचाव करें। तो क्या गर्मी से कोई लोग बच्चे या बुजुर्ग बीमार भी हो रहे हैं? आप बीमार तो होते ही हैं, जैसे हीट स्ट्रोक वगैरह के साथ हैं, अभी तो नहीं आ रहे हैं, पर हमारे पास पूरे प्रबंध हैं इनके इलाज के लिए, और हमने अलग से बेड भी साइन कर रखे हैं, और जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें कूलर AC भी लगा रखे हैं, और राउंड द क्लॉक डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ भी अपॉइंट कर रखा है। सिरसा से नैंसी लोहिया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।